गडकरी ने शिमला में कहा कि अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है, ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। चीन ने भी इसका समर्थन किया, सभी बड़े देशों ने इसका समर्थन किया है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। गडकरी ने शिमला में कहा कि अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है, ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। चीन ने भी इसका समर्थन किया है, सभी बड़े देशों ने इसका समर्थन किया है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। गडकरी ने कहा कि दुनिया भर में सबसे बढ़िया तकनीक वाली कंपनियों के साथ प्रदेश में एक बड़ा वेंचर शुरू किया जा सकता है, जिससे प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बदल सकती है। बेबकोश कंपनी के साथ हिमाचल सरकार बेबकोश कंपनी के साथ इस दिशा में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़िया बनाने के लिए मिलकर प्रयास करेगी। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, स्काई बस जैसी सेवा शुरू की जा सकती है, जिससे एक साथ 200 से ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं। प्रदेश में 3 बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, जिसमें लखवार का काम प्रगति पर है। किशाऊ में जल्द काम शुरू किया जाएगा, जिससे 700 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। सड़कों को बनाने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। 7 सुरंगें बनाई जाएंगी और 59 NH की DPR बनाने का काम प्रगति पर है। भारत सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए लंदन के मॉडल को देखा जा रहा है, जिसको पर्यावरण मित्र माना जाता है। इस दिशा में हिमाचल में इस पर काम किया जाना है, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल में पानी और उतरने वाले विमान उतारने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आज करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर जनसभा को संबोधित किया, लेकिन मीडिया में ये बताया गया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अब चीड़ की पत्तियों के जरिए बायोडीजल तैयार किया जा सकता है, जो पर्यावरण मित्र होने के साथ साथ स्थानीय लोगों की आर्थिक उन्नति का आधार बनेगा। मसूद अजहर के मामले में जिस तरह से चीन का रुख था, ये मोदी जी और सुषमा जी के प्रयासों का नतीजा है। आतंकी का कोई मजहब नहीं होता, दुनिया के लोग अब ये बात समझ गए हैं। इसी का नतीजा है कि इसमें भारत को सफलता मिली है। आतंकवादी समर्थन करने वाले देशों को आइसोलेट करने की बात हम बार बार कह रहे थे, उसमें आज दुनिया के विश्व के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने उसका समर्थन किया। ये आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है, उसमें हमारे देश के लिए बहुत बड़ी जीत है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जी के कूटनीति की सफलता भी है। मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं यहाँ आया था वैसे चुनाव प्रचार के लिए, तो आज सांगला में मेरी सभा भी हुई और सभा के बाद सभा के पहले मुख्यमंत्री जी से भी मेरी कल भी और आज भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। वेबकॉस करके वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री में हमारी एक 100% ओन गवर्नमेंट कंपनी है, और मैं जब डावोस में गया था स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ से मैं ऑस्ट्रिया गया था, और वहाँ वर्ल्ड में रोप वे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे, इस प्रकार की जो नई नई स्काई बस, लाइट रेल, ये अलग अलग प्रकार की जो 28 टेक्नोलॉजी है, इसमें वर्ल्ड में डॉफल मेयर का 65% शेयर है। कि इसको PPP मॉडल में करने के लिए बिजली अगर हिमाचल सरकार 10 साल के लिए फ्री ऑफ चार्ज देती है, और उसके ऊपर अगर फैक्ट्री यहाँ कोई होती है उसके पॉइंट्स बनाने की, तो उसके ऊपर कुछ टैक्स कंसेशन जैसे बैकवर्ड एरिया की इंडस्ट्री के लिए मिलता है, उस टाइप का कोई मिलेगा तो इसका IRR अच्छा होगा और ये यहाँ सफल होगा। तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी चर्चा आज की है, उनसे बातचीत भी हुई और जल्दी ये पूरी होगी। हिमाचल प्रदेश में 3 बड़े डैम हमने बनाने का निर्णय किया था, उसमें से एक रेणुका है, एक केशव है और दूसरा लखवाड़ है। लखवाड़ बहुत दिनों से चल रहा था काम उसका, और अभी उसमें काफ़ी प्रगति हुई और जल्दी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक केशव के बारे में, अभी चुनाव होने के बाद इसके ऊपर फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट से करीब 700 मेगावाट बिजली हिमाचल प्रदेश को मिलेगी, और उसके साथ साथ इस पानी से दिल्ली के लिए भी पानी मिलेगा, और जो बाढ़ के कारण यमुना पर जो नुकसान होता है उससे भी बचत होगी। हिमाचल प्रदेश में रोड सेक्टर में मेरे विभाग की ओर से करीब 50,000 करोड़ के काम शुरू है। कामों में कुछ जगह पर अड़चन आई, बीच में ये किरतपुर वाला जो काम था
वहाँ टनल्स वगैरह का काम IRFS जो कंपनी थी उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आने के कारण बंद पड़ा था, तो उसको हमने टर्मिनेट किया है और नए टेंडर निकाल कर उस काम की जल्दी शुरुआत करेंगे। हम करीब 6-7 टनल बना रहे हैं और उसके साथ साथ भारतमाला में 3 प्रोजेक्ट हमने लिए हैं और करीब 6 प्रोजेक्ट और वर्क ऑर्डर देने की स्थिति में आए हैं। करीब 69 रोड्स प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको हमने प्रिंसिपली NHAI जाहिर किया था, उसमें से 9 प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी भारतमाला में 3 और 6 NH में ऑलरेडी लिए हैं, उसको राष्ट्रीय महामार्ग करके मान्यता दी है, और बाकी 60 प्रोजेक्ट्स में भी हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहा था कि वो DPR बनाए और DPR बनने के बाद हम उसकी प्रायोरिटी निश्चित करके उसके भी काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अगर निश्चित रूप से अगर रोड नेटवर्क अच्छा होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। तो भारत सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से, हमारी इरिगेशन मिनिस्ट्री जो रैपकॉस है उसके आधार पर जो हम लोग स्काई बस या मल्टी मॉडल अलग अलग प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अनेक इनोवेशन पर काम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो काम दिया है वो, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ शुरू हो इसके लिए आज लंदन ट्रांसपोर्ट का जो मॉडल है